क्या किया। हार्दिक शुभकामनाएं।
आईसीएस की जो ये टीम तुम लोगों को दिख रही है जिसमें सबसे पहले पवन सर दिख रहे थे, तुम दोनों बैठो भाई। पवन सर इधर आओ। हेलो कौन सर, हमारे नंबर
भेजा भी उनके पूरे yes, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना yes, आया ना yes, मेरी बहुत बढ़िया। फिर सुनील सर यहाँ है यही तैयारी एसएससी जीडी में, यही तैयारी आरआरबी एनटीपीसी में, उनमें जीके सबसे ज्यादा है। मैं जो कह रहा हूँ सुना रहा है? दिल्ली पुलिस की भर्ती तैयार हो रही है, दिल्ली पुलिस की भर्ती 6000 से 7000 के बीच में दिल्ली पुलिस की भर्ती तैयार हो रही है। तो दिल्ली पुलिस की भर्ती में 50 नंबर का जीके, जिसमें से 25 नंबर का तो सुनील सर का होता है, 25 नंबर का बबीता मैम का। अब नेशनल जीके में तो जो है 50-50 पार्ट है इनका, मैं जो कह रहा हूँ समझ रहा है? तो फिर जो है ये 50-50 पार्ट है, और फिर दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, आरआरबी एनटीपीसी है, ऐसे वैकेंसी आती रहती है, हर जगह पर है। तो एक बड़ा हिस्सा सुनील सर पढ़ाते हैं, और सुनील सर ने जो है अब तुम्हारी पढ़ाई के बोझ में देखो अपने पास भी खो दिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और फिर यही कहना
ईश्वर करे अगली दिवाली पर तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी खुद की कमाई की बढ़िया सैलरी इकट्ठी हो और फिर अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ थोड़ी लक्ष्मी खर्च करते हुए और खूब सारे दिए मोमबत्तियां जितनी सुंदर सुंदर लाइटिंग अपने घर में कर सकते हो और जितना हो सके थोड़ा बहुत कहीं कहीं अगर कोई गरीब इंसान मिले तो उसको थोड़ी मिठाई या दिए जो भी देके उसका कोशिश कर सकते हैं उसकी दिवाली थोड़ी जगमग कर दीजिए। तो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स बेटा। रोज वही चीज होती है कि पढ़ना है, एक दिन को लात नहीं मारनी, एक दिन का मतलब अब हमारे लिए 7 दिन बहुत मेहनत के, तो नवंबर दिसंबर अब हम यहाँ भी और तुम यहाँ बैठे बैठे भी इतनी मेहनत करेंगे 2 महीने में। अब मंडे से जब नई क्लास शुरू होगी तो रोज जो बैचेस है उसमें डबल क्लास में भी अपना टाइम टेबल सेट कर लेंगे बैठ के। ये हमने तो ऐसे ही जाना था पता था इसलिए चेंज नहीं कराया। 2 क्लासेस मेरी रहेंगी, एक हरियाणा जी के और एक नेशनल जी के, ताकि हमारी स्पीड बनी रहे। 2 क्लास सुनील सर ले रहे हैं, 4 क्लासेस में जीके। सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा जो परसेंटेज है ना वो जीके का ही रहेगा, वो चाहे साइंस के फॉर्म में आए, वो मेरे सब्जेक्ट के फॉर्म में आए या हरियाणा जीके। तो खूब दम लगा के जोर लगा के बढ़िया तैयारी करेंगे। और जैसा इस बार हमारे आईसीएस के स्टूडेंट्स ने 25,000 में से मैक्सिमम जब पीएम तक ये बात कह रहे हैं तो हमारे लिए कितने प्राउड की बात है कि बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची प्राइम सबसे अट्रैक्टिव जो पॉइंट है हरियाणा की राजनीति का वो बन गया। हमें और क्या चाहिए, जहां पहले सिर्फ बेरोजगारी की बातें होती थी, नशे की बातें, दूसरा पंजाब के साथ हमारा जिक्र कर रहे थे, आज पीएम और हमारे सारे बड़े बड़े लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है तुम्हारे हमारे हम सब के लिए। और जितने युवा वर्ग नौकरी का रास्ता पकड़ेंगे कम से कम वो ड्रग्स से बचेंगे, दंदगी से बचेंगे। तो कुछ रहना है, आगे बढ़ना है, ईमानदार रहना है और मेहनत मतलब मेहनत फिर जीतोड़ मेहनत करनी है। सुबह से शाम तक 9 से 4 तक रेगुलर अगर तुम पढ़ते रहे ना बेटा, ये हमारी गारंटी है 100% तुम टॉपर्स में रहोगे। तो बहुत सारी खुशियां ये त्योहार तुम्हारे घर में लाए और अगला साल जब आए तो तुम इतने पॉजिटिविटी से भरे हो कि जो जो एग्जाम आता जाएगा उस सब में तुम कहीं ना कहीं अपना रैंक लेके जाओगे। ऑल द बेस्ट। इंग्लिश एक रिपोर्ट आई थी अब से 15 साल पहले कि 7,90,000 वर्ड्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। कितने वर्ड्स? 7,90,000। हिंदी में गिनोगे तो तुम 10,000 क्या वर्ड पाओगे? पूरे नंबर लेना आसान काम है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार देखो ओ भाई, कमरे से बाहर जाने के लिए दीवार में टक्कर नहीं मारनी होती, दरवाजे से जाना चाहिए, है ना? तो 5, 6, 4 जिद नहीं आ जाए कहीं ही जिद मत करियो। पेपर के टाइम पर बहुत ज्यादा जिद बिल्कुल भी नहीं करनी होती। जब पेपर नहीं है, पेपर आसपास नहीं है, तब सीख लो इंग्लिश कौन मना कर रहा। अच्छी मेहनत करो। अब जिस आदमी के पास ये स्ट्रेटजी नहीं है तो वो दिक्कत है। क्लास में आओ, अपनी क्लास में ध्यान से दोहराओ, ऐसा नहीं कि सारे छोड़ दिए। आसान 10 नंबर आ जाए तब क्या करोगे भाई? एक क्वेश्चन टैग आ गया, आसान है क्या? अब वॉइस आ गया, नरेशन आ गया, तो ये आसान काम है। मैं तो कह रहा हूँ सुनना ना, लेकिन उसके अंदर जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को 7,90,000 वर्ड्स कौन याद कर देगा? अब उसमें याद किए हुए मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, याद किए हुए ना मिले तो भी बहुत बढ़िया बात है। आया ना? अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं तो वहां पर वर्ड रिप्लेसमेंट है वहां पर, तो ये बहुत बड़े बड़े जो मामले होते हैं उनके अंदर आता है कर दो, नहीं आता है तो दिल पर नहीं लेना। जिन आदमियों के पास प्लानिंग नहीं होती ना, स्ट्रेटजी नहीं होती, वे आदमी पास कभी नहीं करते। मैं जो कह रहा हूँ सुनवा रहा है? Yes, तो सबसे आसान काम होता है पूरे नंबर लेना मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, ये ले लो। जो जीके है ना जीके, उसके 80-85% नंबर ले लो।
बच गया इंग्लिश, उसके 50% भी आ गए तो भी पेपर पास। हमें सीजीएल तो करना नहीं भाई, सीजीएल करना तो फिर उसके पीछे बहुत ज्यादा तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, अब सीजीएल में तो मेंस में जो पूरा बराबर आएगा मैथ के बराबर, अब वहां इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन सीजीएल के लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास दो तीन सीढ़ियां हैं, पहले छोटी नौकरी। अब जिनके पास नौकरी है ना, जिनके पास नौकरी है 25 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 35 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, कुछ मिलेंगे तो दिवाली रंगी। और जिनको पैसे नहीं मिलेंगे वे ऐसे ही बैठे हैं, आया ना? Yes, sir. और ये हर रोज के काम के ऊपर है, हर रोज के काम के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम हर रोज पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये त्योहार होते हैं, ये एनालाइज करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इतनी बातें सीखनी चाहिए, एनर्जी भरनी चाहिए। आया ना? Yes, sir. अगर हमारी एनर्जी खत्म हो रही है, आत्मा की एनर्जी खत्म हो रही है, फिर मामला गड़बड़ होता है। तो ये त्योहार हमें याद दिलाते हैं, बुराई पर अच्छाई जीतती है, बुराई पर अच्छाई जीतती है, बुराई नहीं जीतती, अच्छाई जीतती है। और ये त्योहार भी उसी की जो है परंपरा है। दिए हमारे घरों का अंधेरा दूर कर सकते हैं, किताबें हमारे जीवन का अंधेरा दूर कर सकते हैं। किताबों के साथ जुड़े रहना हमेशा। अब यहाँ पर कोई बहुत पुराना स्टूडेंट देखा था, छुपा छुपा हुआ बैठा हो तो बैठा हो, नहीं तो लगभग सभी पुराने स्टूडेंट लग गए हैं। और जो पुराने बैठे हैं तो उन्हें एनालाइज करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कहाँ कमी रही और अब की बार उस कमी को ना छोड़े। टाइम पर क्लास में पहुंचना, अब क्लास में ध्यान से पढ़ना, अब घर जाके होमवर्क करना, पूरी क्लासेस लेना, बीच में ना भागना, अब फिर टेस्ट देते रहना, टेस्ट जरूर देना, टेस्ट नहीं दोगे फिर कुछ नहीं होना। जो गलती तुम्हें पेपर में जाने के बाद पता चलेगी वो गलती यहीं पर पता चल जाए, पहले उस गलती को दूर कर ले तो ज्यादा बेटर काम है। हर रोज 20 से 25 क्वेश्चन का एक पेपर कम से कम। अब हर सैटरडे सीईटी के आधार पर पेपर डलेगा, अब पेपर मुश्किल भी आ सकता है, जैसा आपकी बार बता रहे थे बच्चे, पेपर आसान भी आ सकता है, कई बार आता है। एमटीएस का आज ही बताया कि बहुत आसान पेपर था। इस प्रकार से जो है ना, जैसे पेपर आसान और मुश्किल हो सकते हैं, तो पेपर आसान हो तो कैसे करना है, मुश्किल हो तो कैसे करना है, दोनों प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। पेपर पूरा पढ़ाई में से हो तो कैसे करना है, पेपर पढ़ाई से बाहर आए तो कैसे करना है, हर प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए। आया ना? Yes, sir. जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इससे ऊपर रिजल्ट की और क्या उम्मीद करें कि 300 बच्चे पानीपत में लगे हैं, 300 में से 267 आईसीएस के हैं, 89% आईसीएस। तो बच्चे नौकरी लगते तो तुम्हारे तरफ स्वागत नहीं करता, निराश होते बोला यो मिला क्या, मिला क्या। हर नौकरी लगने वाले पर तुम्हें जो है ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे नौकरी लग रहे हैं क्योंकि इसी रास्ते पर है। हाँ, एक स्टूडेंट भी आया हुआ, कहाँ है? हाँ जो मैंने इसको देखा हुआ बहुत बार। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। इस लड़के का नाम है मोहित। अब मास्टर जी हो गया, योगी टी जी भी हो गया, कविता मैडम का सीख सीख एसएसटी का मास्टर हो गया, बहुत बढ़िया। कहाँ पर हुई ज्वाइनिंग? मेवात कैडर में, बहुत बढ़िया। एक सैलरी कितनी है? 70,000 प्लस सैलरी है। सारे खर्चे को निकाल देती है, जितने आगे रखे हैं उतने रुपए बन जाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? पर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी 6-7 साल पढ़ो भाई, साल दो साल पढ़ के ग्रुप डी में क्लर्क में कहीं भी होता हो ना लग जाओ, और नौकरी लगने के बाद पढ़ते रहो, और नौकरी लगने के बाद पढ़ते पढ़ते फिर आगे ऊपर बढ़ जाओ, उसमें कौन मना करता है।
ऐसे बहुत बच्चे अब की बार भी हुए, टीजीटी में भी हुए हैं, रोज के रोज लगा रहा हूँ। आज भी मैंने एक स्टेटस लगाया था, शायद सोनीपत का एक लड़का था 19वें ग्रुप डी में लग गया था, अब पटवारी सिलेक्टेड हो गया, आज लगा रखा स्टेटस। तो जो इस प्रकार के जो बच्चे है ना, तो ऐसे जो है लोग लग जाने चाहिए और फिर उसके बाद पढ़ते रहो, कौन मना कर रहा। ग्रुप डी में लग गया था, ग्रुप डी में लग गया था, कहाँ पर? सोनीपत में। अच्छा कहाँ पर थी ड्यूटी सोनीपत में? अच्छा अभी मार्च में लगा था, बहुत बढ़िया। चलो अंत भला सो भला, अंत है शुरुआत, अभी शुरुआत। ये संदीप साथ ही पढ़ता था संदीप यहाँ पर बहुत सही है और सारा काम संभालने लग गया है। ये जितने पेपर होते हैं, अब पेपर में 1% गलती मान सकते हैं होती, एक आधा सवाल दो, वो तो 1% तो 2% तो हमारे से भी हो जाती, कोई भी आदमी करेगा तो उससे हो जाती है। परफेक्शन के लेवल पर संदीप अब है, जितने पेपर होते हैं उन सब का श्रेय संदीप को जाता है। संदीप के लिए भी दो हजार यहाँ आईसीएस के स्टाफ में बहुत सारे चोर लोग आए, गलत लोग आए, उतना ही सही संदीप है। अब तक संदीप सही रास्ते पर है। आशीष गड़बड़ था क्या? कुछ यस सर का है, कुछ नो सर। चलो मैं आपको खिला दूंगा, प्रीति मैडम को भी खिला दूंगा, बेचारी बात। ये पूरी ले गए, अमित सर को खिला दो, ये दो लेंगे, आपकी वाइफ है, उनको भी पकड़ लो। सही बात, मैं भी मैडम का हाथ पकड़ के लेकर आ गया। सौरभ के साथ चलने में क्यों शर्माती हो? बहुत बढ़िया, ये सौरभ है, ये पहले आईसीएस का ही स्टूडेंट था, अब झज्जर की ब्रांच को ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, झज्जर की ब्रांच को अब जो है सही रास्ते चलाने में इसका बड़ा योगदान है, पर जोरदार। अच्छा जॉब पे लग ली कहाँ? अच्छा 18-19 में जो पहले स्टूडेंट थी अब जॉब पर लग गई, एक बार के लिए इंतजार। ये घड़ी दिवाली के मौके पर बहुत शुभ है, ये घड़ी समय के बदलने का।
अपनी आंखों में बसा लो कि हमें पढ़ के ये नौकरी लेनी है। बहुत दिवाली पर पहली बार घड़ी दी आपने, अच्छा को भी दिलवानी है, घड़ी दिलवानी है, ले गए थे, अच्छा पहले ही ले गए थे, चलो तो बहुत बढ़िया। चलो दिवाली के एक बार और हमारी तरफ से।